अभिभाषक संघ रूपवास की तीन सूत्री मांगों को लेकर संघ के पूर्व अध्यक्ष जेपी पाराशर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम राजीव शर्मा को देकर शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण की मांग की है। अधिवक्ता पाराशर ने बताया कि संघ की पिछले काफी समय से बयाना में संचालित एडीजे कोर्ट संख्या 2 को रूपवास मुख्यालय पर स्थानांतरण कराने, एसीजेएन कोर्ट स्थापित कराने, न्यायालयों के लिए भवन निर्माण के लिए आराजी खसरा नंबर 1035 की किस्म परिवर्तन कराकर आवंटित करने की मांग अनवरत रूप से चली आ रही है। उसके बावजूद भी सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। अधिवक्ताओं ने सरकार से आगामी बजट सत्र में समस्याओं के निराकरण की मांग की है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता नेमीचंद शर्मा, सुरेंद्र सिंह, हरदोल सिंह, राजेश शर्मा, नीरज राजावत, सुमेरा प्रजापत, डोलेंदर गोड़, पवन दीक्षित, प्रेम प्रकाश पाराशर, ओंकार सिंह, बंटी राम सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। भरतपुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। अभिभाषक संघ रूपवास की तीन सूत्रीय मांगों को लेकर के आज मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रूपवास को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुखता से बयाना में संचालित एडीजे कोर्ट संख्या 2 को रूपवास मुख्यालय पर स्थानांतरण कराने व एसीजेएम कोर्ट स्थापित कराने के अलावा न्यायालयों के लिए भूमि खसरा नंबर 1035 में किस्म परिवर्तन कराते हुए आवंटन कराने की मांग की गई है। और ये मांग हमारी पिछले 2 दशक से चली आ रही है, लेकिन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को शीघ्र ही आगामी बजट सत्र में लागू करते हुए सुचारू कराया जाए।